परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए भजन संहिता 19वें अध्याय के 10वें वाक्य की तरफ हम गौर कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर का वचन सोने से भी ज़्यादा अधिक मनोहर और मधु से भी ज़्यादा अधिक मधुर है। इस वचन के आधार पर हम जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वह है कि सत्य वचन की मधुरता को अनुभव करें। आज सुबह बहुत ही अनुग्रहित वचन का भाग प्रभु हमें देता है। ये भजन संहिता परमेश्वर के अति प्रिय कहलाए जाने वाले दाऊद के द्वारा लिखा गया है। इस भजन संहिता के 7वें वाक्य से 11वें वाक्य तक अगर हम गौर करें तो वचन की मधुरता के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु बच्चों को दान में देता है तो उन बच्चों के हम कई नाम रखते हैं। उन नामों से यह बच्चे अपने जीवन भर पहचाने जाते हैं, लेकिन जब वह छोटे होते हैं तो प्यार से हम उन्हें कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं और यह नाम हम समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार बुला लेते हैं। उसी प्रकार से सत्य वचन की मधुरता को पहचानने वाला प्रभु का दास यहाँ 5 अलग अलग नामों से वचन को बुलाता है। हम 7वें वाक्य में देखते हैं कि सत्य वचन को वह परमेश्वर की व्यवस्था और नियम कहकर बुलाता है। उसी वचन के दूसरे भाग में सत्य वचन को वह परमेश्वर की गवाही कहकर बुलाता है और 8वें वाक्य में वह सत्य वचन को परमेश्वर की आज्ञाएं कहकर बुलाता है और दूसरे भाग में परमेश्वर की नियम के रूप में भी उसे वह बुलाता है। और 5वां हम उस अध्याय के 9वें वाक्य में देखते हैं, सत्य वचन को परमेश्वर की योजनाओं के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला दाऊद सत्य वचन को ही अलग अलग नामों से क्यों बुलाता है उसका कारण भी वहाँ पर बताता है। हर एक नाम को उसकी श्रेष्ठता को पहचानकर पुकारता है। अगर देखे तो सत्य वचन की पूर्णता को समझकर उसको वह परमेश्वर की व्यवस्था के नाम से बुलाता है। दूसरा, सत्य वचन की विश्वास योग्यता को पहचानने के बाद वे उसे परमेश्वर की गवाही कहकर पुकारता है। तीसरा, सत्य वचन की खराई के कारण उसे परमेश्वर की आज्ञा कहकर भी पुकारता है। चौथा, सत्य वचन की शुद्धता को समझने के बाद वह उसे परमेश्वर के नियम कहकर बुलाता है। और 9वें वाक्य में परमेश्वर के वचन की सत्यता की गहराई को समझकर वह उसे परमेश्वर की योजनाएं कहकर बुलाता है। सत्य वचन की श्रेष्ठता हमारे जीवन से प्रकट होती है, तब इसकी मधुरता हमारे जीवन में दिखाई देती है और इसकी मधुरता को हम अनुभव कर पाते हैं। यहाँ पर भक्त दाऊद का वचन की मधुरता का वर्णन करने का कारण यही है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उस वचन की मधुरता को अनुभव कर चुका है। वे भजन संहिता के 7वें वाक्य में ऐसा कहता है, परमेश्वर की गवाही उसे ज्ञानी बनाती है। तीसरा, खराई से भरपूर परमेश्वर की आज्ञाओं को वो पसंद करता है। चौथा, निर्मल परमेश्वर की आँखें उसकी आँखों में प्रकाश देती है। और हम आगे देखते हैं, परमेश्वर की काम उसे धर्मी बनाते हैं और धर्म से भरा हुआ मार्ग पर उसे चलाते हैं। और वह आगे कहता है कि मैं इस वचन को मानता हूँ और उससे मुझे प्रतिफल मिलता है। इन सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन का ज्ञान हम पाने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मसीह की।